इज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो आज है टीचर्स डे, तो हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। तो आज का मौसम बहुत सुंदर हो रहा है, पीछे फोक फोक आनी स्टार्ट हो गया, ठंडे अब स्टार्ट हो गई है। देखो बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल फोक हो गई है। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। आज मैंने अपनी वॉच भी टाई की है, और लेकिन ये थोड़ी लूज़ है, मुझे लगता है एक और निकलवानी पड़ेगी इसकी। तो अभी जल्दी से चलते हैं, मेरी बस आने वाली है। अभी मैं आपको स्कूल में मिलती हूँ या फिर घर पे आके मिलती हूँ। गणपति की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ डेकोरेशन का करें, और बाकी जो भी खाने का भोग में जो भी बनेगा वो सारा सामान आएगा आज। तो जल्दी से चलते हैं आप स्कूल में, तो मैं वहीं आपको मिलती हूँ। आज पहले आप इससे मिल लो, जिस दिन से हमने कीर्तन स्टार्ट किया है ना, मतलब बप्पा की स्थापना की है, उस दिन से ना ये अचानक से ही आ गया, क्योंकि हमारे घर के पीछे खेत है, और ये जब से आया ना तो हमारे घर पे बप्पा के पास ही बैठा रहता है, और या फिर मैं भोग लगाती हूँ या आरती करती हूँ तब यहाँ पे आके बैठता है। अब मैं यहाँ पे बैठी थी वीडियो बनाने के लिए, तो अभी आके बैठ गए। वैसे मुझे डर लगता है, लेकिन जब से पप्पा के पास रहता है ना तो मुझे पता है कि मेरे को कोई हार्म नहीं करेगा, तो इस वजह से मैं इसको बैठने देती हूँ। तो जो बात करनी थी वो मैं आपको उसके साथ बात कर लेती हूँ कि टीचर डे वाले दिन मैंने आप घर से वीडियो शुरू किया था, और स्कूल में जाके ना असेंबली में मेरा फ़ोन गिर गया, जिसकी वजह से उसका अंदर का कोई सॉफ्टवेयर उड़ गया, जिसकी वजह से स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गई, कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन पहले मुझे लगता था कि वो स्विच ऑफ हो गया है, चलो कोई बात नहीं बाद में ऑन हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ऑन करने के बाद वो ऑन ही नहीं हुआ। मैं जो ऑन करने का बटन होता है ना उसको प्रेस करे जा रही थी स्कूल में, लेकिन जब मैं घर आई तब मेरे को लगा कि उसमें मैसेज बोल रहे हैं और किसी का फ़ोन भी आ रहा है, अलार्म भी बजा है, लेकिन स्क्रीन में दिख कुछ नहीं रहा कि किसका फ़ोन है किसका नहीं। तब मुझे समझ में आया कि इसकी डिस्प्ले चली गई है। टीचर डे पे जो भी एक्टिविटी हुई वो मैं अपने फ़ोन से कुछ भी शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने किसी का हेल्प लेके फ़ोन ले लिया था जिससे मैंने शूट किया था। तो टीचर डे वाले दिन असेंबली में टीचर्स के लिए एक एक्टिविटी हुई थी, जिसमें टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनसे डांस कराया गया था। तो मेरे पास क्लिप आ गई है, मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे आपको बताना चाहिए वहाँ वहाँ मैं बता दूँगी कि यहाँ पर क्या किया गया, क्या हुआ। और साथ में जो भी वो लेके आए थे बच्चे गिफ्ट लेके आए थे, मैंने जब तक मेरा फ़ोन ठीक होके नहीं आया तब तक मैंने ओपन नहीं किया। मेरा फ़ोन ठीक हो गया है तब मैंने ओपन किया, इसी वजह से मेरा टीचर डे का व्लॉग लेट हो गया है। तो अभी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और आप देखिए पूरा और इन्जॉय कीजिए, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने भी नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपकी फेवरेट टीचर का क्या नाम था और वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाती थी। थैंक यू। इसमें क्या लेके आए इतना बड़ा? मामा, टीचर लग गया।
ये कौन लेके आया है? लंच बॉक्स है इसमें, और क्या है? इतना कुछ पैसे नहीं लगाने बेटा, कागज पे कार्ड बना के लाना है बस, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे गाइस, तो अभी हो चुकी है शाम और बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन पे, तो जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ कि उस दिन बच्चों ने मुझे क्या क्या दिया था उस पे, टीचर्स डे पे। नॉर्मली बोला था कि टीचर डे कार्ड बना के लेके आना, और काफ़ी बच्चे लेके आए थे, काफ़ी बच्चे नहीं लेके आए थे। अगर सभी लेके आते तो मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, और काफ़ी बच्चे नहीं लेके आए थे। जब भी वीडियो बनाने बैठो ना, इनको जरूर आना होता है। तो मेरी क्लास में आप बच्चों का अंदाजा इसी हिसाब से लगा लेते हो, लगा सकते हो कि मैं आज ये पेन नया लेके गई थी और ये हाफ से ज़्यादा खाली हो गया, सिर्फ नोटबुक और होमवर्क देने में, चेक करने में नोटबुक और होमवर्क देने में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पेन चलता है। मैं जब से जाती हूँ ना स्कूल में, पेन चलता रहता है, और जब छुट्टी होती है तब बंद होता है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। तो गाइस, ये है, मैं पोलोथीन में डाल के ले आई थी बच्चों से लेके, इतने सारे कार्ड है। मैंने गिफ्ट भी पैक है जो वो पैक के पैक रखे, मैंने खुद भी नहीं देखी कि मैं जब वीडियो बनाऊंगी तभी देखूंगी। और एक फ़नी चीज़ भी हुई है मेरे साथ, पता नहीं क्यों हुई है, मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी भी। तो काफ़ी सारे बच्चे मेरे लिए चॉकलेट लेके आए थे, मैंने एक चॉकलेट खाई, मैंने चॉकलेट भी नहीं खाई, और मैंने सारा ना छुपा के रखा हुआ था। मैं अंकुर सिवांश को पता भी नहीं था, आज बोल रहा था मैं कि आपको कौन से गिफ्ट मिले हैं, आपने हमें तो दिखाया नहीं किस टाइम लेके आए थे, आते टाइम भी नहीं देखा क्योंकि तब वो सो रहा था जब मैं स्कूल से आई थी। तो फर्स्ट ये गिफ्ट मेरे को दक्ष ने दिया था, तो इसको ओपन करते हैं पहले। और नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने बच्चों को बोला है कि कार्ड बना के ले आए, तो बस गिफ्ट वगैरह के लिए पेरेंट्स को मत परेशान किया करो। वैसे इसमें गिफ्ट वैसा नहीं है, यही चॉकलेट पैन ही है। ओके, तो इसमें ये हैं कैंडीज हैं, और चॉकलेट है स्निकर की, और ये कुछ खाने के हैं, और एक चिप्स है, और ये डेकोरेशन के लिए रखा हुआ नीचे सेफ के लिए। तो फर्स्ट गिफ्ट हमारा ये, और अभी मैं कार्ड दिखा देती हूँ आपको फटाफट। तो बच्चों ने ये कार्ड बनाया है, यही आन का है, मेरी क्लास का बच्चा है, उसने इसी के ऊपर चिपकाए हुए हैं टेप के साथ, लॉलीपॉप और 2 कैंडीज। उसने बहुत सारा लिखा हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आप देते हो हम सबको शिक्षा, फिर लेते हो हमारी भिक्षा, गलती करे तो हम हमें समझाते, हम रोए तो हमें हंसाता, माता ने दिया है जीवन दान, आप बनाते हो इसे महा, ज्ञान का दीपक आप जलाकर हमारी चमक बढ़ाते हो, विद्या का जल हमें पिलाकर जीने का ढंग सिखाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान करो, शीश झुकाकर आदर से तुम बच्चों उन्हें प्रणाम करो। बहुत ही अच्छा थॉट लिखा था उसकी मम्मी ने। और सबसे ज़्यादा ना मेरे को इसलिए पर्सनली अटैचमेंट हुई इन कार्ड से, जब बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा को नहीं ना 12 बजे तक जाग के कार्ड बनाया आपके लिए, और सभी बच्चों ने लिखा होता यू आर माई बेस्ट टीचर, यू आर दी वर्ल्ड बेस्ट टीचर। और मियंक ने मेरी इस पर बुझा भी दी, मैंने जब उसको बताया ना कि बच्चों ने ऐसे लिखा हुआ था कि यू आर माई बेस्ट टीचर, बोल रहा था 4 दिन जाते हुए क्यों नहीं हुए, और अभी से उनको पता चल गया कि हमारी बेस्ट टीचर है। तो एक बच्चे ने ये बनाया हुआ था, और देवांशी जिसका आज बर्थडे है उसने ये बनाया था, उसकी मम्मा ने भी 12 बजे तक जाग कर बनाया है। मेरी मैडम बहुत है प्यारी, लगती हमको जग सिनहरी, जीवन का हर सबक सिखाती, कभी सख्त कभी नरम हो जाती, फिर भी दिल को सदा ही भाती, मैडम मेरी बहुत है प्यारी, लगती हमको जग सिनहरी, बेस्ट टीचर। और यहाँ पे भी डियर टीचर यू आर दी बेस्ट टीचर, आई हैव एवर नो यू, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू ग्रो, एक ये बनाया था, बहुत बनाए हैं, इस पे पानी फिर गया। और जिस बच्चे का ये कार्ड है उसने मेरे को ये गिफ्ट भी दिया था, तो ये भी मैंने ओपन नहीं किया, ये गिफ्ट ही है, फिर मैंने उसको मना भी किया कि गिफ्ट मत लेकर आया करो बेटा। ओके, तो इसमें सीनरी बनी हुई है, घर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये है, और
एक बच्चे ने ये बनाओ तो मेहनत बहुत की हुई है बच्चों ने कि देखो अगर कंपटीशन होता है कि हाँ किसी को कुछ मिलेगा तब कोई मेहनत करता है वो अलग बात है, लेकिन जब वैसे ही टीचर्स के लिए कोई मेहनत करता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि पर्सनली मेरे लिए की गई है मेहनत। बहुत सारे कार्ड तो मैंने आपको दिखा दिया, और जो जो बच्चे कार्ड लेके आए थे उन सब ने ये जो कार्ड मैंने आपको दिखाया था जिसका लड़की कार्ड बर्थडे था उसने ये दी थी चॉकलेट और पेन। पेन मेरे पास काफ़ी सारे हो गए थे, और ये मेरे को 9th क्लास की गर्ल्स ने दिया था, और एक और पेन लेके आए थे बच्चे वो भी 9th क्लास की गर्ल ने दिया था। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, अगर मेरा फ़ोन चलता होता ना टूटा होता ये असेंबली में गिर के टूट गया उस दिन। तो ये है पेन जो दिवांशी ने मेरे को दिया था, तो पेन मेरे पास काफ़ी हो गए थे 1, 2, 3, 4 ये है सारी चॉकलेट्स 5, 6, 7, 8 एक इसमें लगा हुआ है 9 पेन हो गए थे। तो कम से कम 15 दिन के चलेंगे ये पेन, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले इतने पेन मेरे पास। तो गाइस ये सब था मेरा फर्स्ट टीचर डे इन स्कूल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने आपको दिखा दिया, इसी के साथ साथ हम एक चॉकलेट खा लेते हैं। तो मैं बच्चों को भी दे सकती हूँ, मैंने उनको दिखाई इसलिए नहीं थी क्योंकि वो चॉकलेट सारी खा जाते हैं, और ये चॉकलेट भी मेरे को 9th क्लास की गर्ल्स ने दी थी। तो थैंक यू बेटा जिसने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया, इतने सारे कार्ड बनाए मेरे लिए, इतनी मेहनत की, थैंक यू सो मच। और मैं ना बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि बच्चों ने मेरे लिए इतनी मेहनत की। जो मैं आपको बता रही थी मैं भूल गई थी दिखाना कि मेरे साथ फ़नी चीज़ क्या हुई। एक गर्ल आई मेरे पास, उसने मेरे को कार्ड दिया। अब कार्ड की तो मेरे को पहचान नहीं है कि उसने कौन सा कार्ड दिया था, उस पर नाम भी नहीं लिखा उस लड़की का। तो उसने मेरे साथ मेरे को एक कार्ड दिया, एक पेन दिया, और साथ में आप जानते हो वो मेरे लिए क्या लेके आई है, स्लेट बत्ती। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा मैं स्लेट बत्ती का क्या करूंगी। मैंने उसको पूछा कि तू स्लेट बत्ती क्यों लेके आई है, तो उसने बोला कि मेरे भाई ने बोला था कि मैम के लिए पेन ले ले, स्लेट बत्ती ले ले। अरे भाई मुझे क्या जरूरत है स्लेट बत्ती की, ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखते, मार्कर के साथ लिखते हैं तो उस पे नहीं यूज होती। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो स्लेट पे लिखूंगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने तो कभी स्लेट बत्ती खाई भी नहीं, मैं खाती नहीं हूँ, तो पता नहीं हो क्यों लेके आई है स्लेट बत्ती मेरे लिए। तो लेकिन मेरा बेनिफिट ये है कि मैं दुकान पे रख दूंगी, बिक जाएगी हमारी, तो वेस्ट नहीं होगी। तो अभी मैं उसको दुकान पे दे दूंगी। तो मेरे पास 10 पेन हो गए, ये वाला पोलोथीन में था तो मैंने नहीं निकाला था, तो एक ये है 10 पेन है मेरे पास। हे गाइस, तो टीचर डे की एक्टिविटी जो स्टेज पे कराई गई थी वो पूरी होने के बाद सारे स्टाफ ने केक कटिंग की थी, और केक कटिंग के बाद जैसे आपने मेरे टेबल पे पीछे देखा होगा केक रखा था, सबको टीचर को केक डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और जो बड़ी क्लास के बच्चे थे जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, +1, +2 वाले, वो सब ने ट्रीट भी दी थी सब टीचर्स को, रसगुल्ले बहुत सारे आए थे, केक आया था और समोसे आए थे, कोल्ड ड्रिंक आई थी। तो रसगुल्ले तो मैं खाती नहीं है, मुझे पसंद है, तो मैंने एक दो खाया, बाकी सबको मैंने मना कर दिया था। लेकिन समोसे मैंने एक स्कूल में खाया था और 3 और आए थे मेरे पास, और कुछ को मैंने मना भी कर दिया था कि इतनों को मैं क्या करूँगी। तो मैंने घर पे ले आई थी, तो सिवान समय अंक और मैंने मिल के खाए थे घर पे, और साथ में गाइस ये था मेरा फर्स्ट टीचर्स डे का एक्सपीरियंस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया स्कूल में सेलिब्रेट करके। अगर मेरा फ़ोन ठीक होता तो मैं और अच्छे से आप ब्लॉग बना पाती, आपको दिखा पाती, लेकिन जितना भी दिखाया आप बताना आपको कैसा लगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं, तो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।